हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने की है नए साल की शॉपिंग, मेकअप की, कुछ स्किन केयर की भी की है, वो मैं अपने स्किन केयर वाली चैनल पे शेयर करूँगी बहुत जल्द। सो मे भी उसमें पहले आ जाए और इसमें ये वीडियो बाद में आए, क्योंकि इस ट्रेंडिंग वीडियोस मैं पहले अपलोड करती हूँ और बाकी वीडियोस ड्राफ्ट में रखी होती है, जो जल्दी एडिट हो जाती है वो मैं जल्दी से अपलोड कर देती हूँ। सो हेयर इज़ माई मेकअप शॉपिंग। इसके अंदर और भी प्रोडक्ट हैं, सिर्फ मामा अर्थ के नहीं हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे मैंने इस मामा अर्थ की अनबॉक्सिंग शेयर की थी। सो और भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें, स्टे ट्यून। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मामा अर्थ का कंसीलर। कंसीलर मेरा ख़त्म हो रहा था इसलिए मैंने लिया है ये कंसीलर, और माइग्रेन के भी कंसीलर्स लिए मैंने, जो अभी सुपर सीरम कंसीलर आ रहा है, बट वो मैंने दिसंबर में लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे उसे इंक्लूड नहीं किया। ये अभी जनवरी में लिया है मैंने, 31 दिसंबर या 1 जनवरी को ऑर्डर किया है और अब मेरे हाथ में है। तो दिस इज़ द मामा अर्थ कंसीलर। और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने क्यों लिए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा एंड बहुत ही अच्छा रीज़न है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आखिर मैंने इतना खर्चा किया कैसे। ठीक है, ये कंसीलर एंड इट इज़ द शेड 02 क्रीम ग्लो और विटामिन सी एंड टर्मरिक, 12 आवर्स लॉन्ग स्टे, मेड सेफ वगैरह वगैरह। सो मामा अर्थ का कंसीलर, सोचा कुछ नेचुरल ट्राई करके देखते हैं। वैसे माइग्लैम के प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, इस बार ये ट्राई कर लिया। और इन सबका यूज़ करके, सिर्फ इन्हीं सबका जो मैंने इस महीने शॉपिंग की है ना जनवरी में, इन्हीं सबका यूज़ करके एक मेकअप लुक मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड बेल आइकन ज़रूर हिट करना। दिस इज़ द फर्स्ट वन। सेकेंड मैंने लिया है एक बनाना कॉम्पैक्ट फ्रॉम फेसेस कैनेडा। तो ये है बनाना पाउडर, 8 आवर ऑयल कंट्रोल, नेचुरल फिनिश विथ विटामिन सी एंड शिया बटर। बट ये कॉम्पैक्ट पाउडर है, लूज पाउडर नहीं है, और ये गर्मियों में काम आने वाला है। सो सिर्फ 1 से 1.5 महीना मुझे वेट करना पड़ेगा इसको लगाने के लिए, और उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि 1-1.5 महीने बाद यहाँ पे बहुत ख़तरनाक गर्मी आ जाएगी। ओके, देन मैंने लिया ये फेसेस कैनेडा का प्रो मेकअप रिचार्ज सीरम। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इसे स्किन केयर में ऐड करूँ या मेकअप में, क्योंकि इसके नाम में मेकअप है बट ये प्रोडक्ट स्किन केयर का है, और मुझे इसका नाम ही थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा, पोस्ट मेकअप रिचार्ज सीरम। मतलब मेकअप करने के बाद जो स्किन में थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है वो इसको रिचार्ज कर देगा। तो ये असर करेगा या नहीं, ये नरिश्ड एंड काम स्किन असर करेगा या नहीं, मैं इसको यूज़ करने के बाद ही आप लोगों को बता पाऊँगी, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। फेस सीरम्स तो मैंने यूज़ किया है बट ऐसे रिकवरी रिचार्जिंग फेस सीरम फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ। देन मैंने लिया है अगेन फ्रॉम मामा अर्थ अ सूदिंग वाटर प्रूफ आई लाइनर, लिक्विड आई लाइनर विथ आमंड एंड कैस्टर ऑयल। तो ये भी अभी पैक है, जब मैं इनको यूज़ करके वीडियो बनाऊंगी तब सारे ओपन करूंगी, राइट। फिर मैंने लिए मनीष मल्होत्रा के 2 लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक है, एक है पिंक किंक और एक है स्कारलेट सेडक्शन। ओके, लेट मी शो यू द शेड्स। एक तो इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, वाव, एही मैग्नेटिक पैकिंग, और दिस इज़ द शेड ऑफ पिंक किंक, बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है, न्यूड भी है और डीप भी है, बिल्कुल बीच का शेड है। देन स्कारलेट सेडक्शन, इसकी प्राइस है 1050 रुपीज़, बट मैंने कम में लिया है, इतने में नहीं लिया है, ये अमेज़ॉन से लिया तो थोड़ा सेल प्राइस में मिल गया। दोनों ही, ये भी सेम है बस शेड अलग है, दिस इज़ द स्कारलेट सेडक्शन। ओके, नाउ आई थिंक मैंने अभी अभी स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक यूज़ किया एक ट्यूटोरियल के लिए, उसकी पैकेजिंग सेम है, सेम
मैंने नोटिस किया कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स पैकेजिंग कॉपी करते हैं, राइट, बट प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। ये हो गए लिपस्टिक। फिर मैंने लिए दो ब्यूटीफुल से स्ट्रोब क्रीम फ्रॉम फेसेस कैनेडा। दिस इज अ रोज गोल्ड स्ट्रोब क्रीम एंड दिस इज अ सिल्वर स्ट्रोब क्रीम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। दोनों ही देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ऑनलाइन जो इनका जो स्वाच था वो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आएगा, मैंने दोनों ही ले लिया एंड दोनों ही लुक अलग अलग टाइम पे काम आएंगे। रोज़ गोल्ड है तो मेरी स्किन टोन से मैच करेगा एंड सिल्वर है तो वो सिल्वर पिंक अंडरटोन पे ज़्यादा काम करेगा आई थिंक, बट इसे मैं किसी और तरीके से यूज़ कर सकती हूँ, राइट। फिर मैंने लिया है एक फेस पैलेट। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ फेस पैलेट्स। कॉम्पैक्ट होते हैं, ट्रैवल पे ले जा सकते हो आसानी से, फिर आई शेडो वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक पैलेट से कई काम हो जाते हैं, इसलिए मुझे फेस पैलेट्स ज़्यादा पसंद है। अगेन फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड फेसेस कैनेडा भी एनिमल टेस्ट फ्री हैं, पेटा अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसकी प्राइस है 899 रुपीज़। इसमें कंटूर, हाइलाइटर एंड ब्लश तीनों है। ये भी अभी ओपन नहीं हुआ है, वीडियो में ओपन कर दूंगी मैं। ओके, फिर मैंने लिया है मामा अर्थ का काजल जो कि है वूडी ब्राउन शेड। काले काजल्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं तो मैंने सोचा इस बार ब्राउन काजल ले लेती हूँ मैं। फिर मैंने लिया है अगेन फ्रॉम मामा अर्थ लूज पाउडर एंड ग्लो मैटिफाइंग लूज पाउडर। ओके, ग्लो भी है, मैटिफाइंग भी है और लूज पाउडर भी है। सो ये लिया है एंड ये वाइट है और टिंटेड नहीं है, ये मैं विंटर्स में भी यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है मामा अर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम। ये नाम भी मुझे अट्रैक्ट किया, सीसी सीरम, सीसी क्रीम या बीबी क्रीम जो होता है बिल्कुल वैसा ही। तो ये सीरम है, इसमें एसपीएफ 30 है और ये आपको बीबी क्रीम की तरह हल्का सा कवरेज भी देगा। तो क्रीम में टिंट देखा था बट ये सीरम में टिंट है, सो दिस हैज़ अट्रैक्टेड मी। एंड आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ऐसी है ये। सो मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। पिछले के पिछले महीने नवंबर में मैंने मामा अर्थ का फाउंडेशन लिया था और इसीलिए मैंने उसका लूज पाउडर भी लिया, फाउंडेशन मुझे अच्छा लगा। देन मैंने लिया है मामा अर्थ का दो लिप सेरम लिए हैं। एक है 07 बीट इट रेड और एक है कैरमल न्यूट 01। ये दो शेड्स लिए हैं जो कि इधर से तो सेम ही दिख रहे हैं बट नाम अलग अलग हैं दोनों के। और इनका रिव्यू मैंने देखा, बहुत ही पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। ये दो चीज़ें ली हैं मैंने। ओके, 3000 के अराउंड है ये मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो मैंने लिए और रीज़न मैं बताने वाली हूँ आपको कि क्यों लिया है इतना सारा। एंड फेसेस कैनेडा का प्रोडक्ट, फेसेस कैनेडा की शॉपिंग की है मैंने अराउंड 2000 की और उसमें मुझे मिले अमेजिंग से फ्री गिफ्ट्स। पिछले बार भी मिले थे, इस बार भी मिले हैं। इस बार मिला है एक मेकअप वैनिटी बॉक्स, प्यारा सा शैम्पेन कलर का है। एक मिला है ऑरेंज कलर की पोटली जो कि मुझे ओके लगी बट कंफर्टेबल है, चुभ नहीं रहा है स्किन पे एंड साइज़ भी काफ़ी अच्छी है। कहीं आने जाने के लिए यूज़ कर सकती हूँ मैं, पार्टीज़ के लिए तो नहीं है। थर्ड मिला मुझे ये ब्यूटीफुल सा मरून कलर का क्लच जो कि बहुत प्रिटी है एंड पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ये फेसेस कैनेडा की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला शॉपिंग करने पे, ऑफ़र चल रहा था ना उस पर। पिछली बार जब मैंने शॉपिंग किया था तो मुझे फ्री गिफ्ट्स मिले थे जिसकी मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था रील आप लोगों के साथ। ओके, अब ये लिपस्टिक्स मैंने क्यों लिए हैं, तो लिपस्टिक्स जो है वो रिफंड वाले हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग ख़रीदी नहीं है मैंने, मतलब ख़रीदी है बट कुछ दिनों बाद इसका रिफ़ंड आ जाएगा ये दोनों लिपस्टिक्स का। और यार मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक है,
1000 की लिपस्टिक है फ्री में मिल जाए तो कौन नहीं लेना चाहेगा। सो मैंने ले लिया। अब ये मत पूछना कि कैसे मिला, बिकॉज आई एम अ मेकअप इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम क्रिएटर। तो एक क्रिएटर ऐप है उस पर मैंने लॉगिन किया हुआ है और उसी के थ्रू ये मनीष मल्होत्रा एंड माई ग्लैम के कुछ प्रोडक्ट्स मिले ना। सो ये जो फेसेस कैनेडा एंड मामा अर्थ की शॉपिंग मैंने की है वो मैंने इसलिए की है बिकॉज गूगल पे पे मुझे मिला था कूपन, मामा अर्थ का कूपन मिला था 100% कैशबैक। तो जो कूपन कोड था वो 31 दिसंबर को ही मैंने चेक किया और उस दिन लास्ट डेट था, मैंने फटाफट से शॉपिंग कर ली और 3100 समथिंग का बिल हुआ। तो जब मैंने कूपन कोड लगाया तो उसने 100% कैशबैक अप्लाई कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार 3000 से और ज़्यादा का भी मैं शॉपिंग कर सकती थी, बट उससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास है थोड़े और रखे रखे एक्सपायर भी हो जाते, इसलिए मैंने और प्रोडक्ट्स नहीं लिए। मेकअप के प्रोडक्ट्स पे मेरा फोकस था मामा अर्थ के लिए, न्यू लॉन्चेस थे ना तो मैंने वो ले लिए और डिलीवरी के बाद कैशबैक आ जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, बिजी थी थोड़ा, मे बी कैशबैक उनके ऐप में ही आएगा या वेबसाइट में आएगा, वॉलेट में आएगा आप ऐसा सोच सकते हो, बैंक अकाउंट में आई थिंक नहीं आएगा, वॉलेट में आएगा। तो वो जो 3100 रुपये का कैशबैक है वो आगे भी मैं मामा अर्थ की शॉपिंग पे यूज़ कर सकती हूँ ना। फेसेस कैनेडा पे भी मुझे गूगल पे का ही कूपन कोड मिला था ऑफ ₹999, तो 999 का जो कूपन कोड था और कोई भी 3 से 4 प्रोडक्ट लेने पे वो ऑटोमेटिकली पेमेंट ₹999 ही लेता। तो जब मैंने ऐप ओपन किया, फेसेस कैनेडा का वेबसाइट ओपन किया, तो उसमें ऑलरेडी सेल चल रही थी और कूपन कोड लगाने से प्राइस ज़्यादा हो जा रहा था, क्योंकि कूपन कोड जो है वो MRP में अप्लाई हो रहा था, सेल पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो वो जो सेल पे अप्लाई हुआ तो बिल ज़्यादा का बन जा रहा था, तो मैंने वो कूपन कोड नहीं लिया, अब कार्ट पे ऐड कर लिया था, तो कर ली शॉपिंग, कंट्रोल नहीं होता है, बट 1000 का कूपन मिला था तो उस पर मैंने शॉपिंग की है। इसलिए मैंने शॉपिंग की है क्योंकि फेसेस कैनेडा का तो मैंने पिछले महीने भी शॉपिंग किया था, रील में मैंने बताया था, और मामा अर्थ का ये जो शॉपिंग है ज़रूरत नहीं थी बट 100% कैशबैक था इसलिए ले लिया। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ दिस शॉपिंग। एंड आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इन नए प्रोडक्ट्स का यूज़ करके बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वीडियो लाने वाली हूँ। एंड आई होप आज मैं ये शूट कर रही हूँ, कल या परसों मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करके मेकअप शूट करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक वीडियोज़।